जो पूरा पूरा भाग हो जाए, ठीक है ठीक है, मतलब जो पूरा पूरा भाग हो जाए, ठीक है। लेकिन गुणज क्या होता है, देखो सात के गुणज क्या होंगे, उसका पहाड़ा पढ़ो, ठीक है। मतलब अगर इससे उसको भाग दें, इससे उसको भाग दें, तो जीरो शेष बचे। जैसे देखो सात एकम सात, सात दूनी चौदह, सात या इक्कीस, सात चौक अट्ठाईस, सात पंजे पैंतीस, और ये आगे तक चलता है। समझना मेरी बात, गुणज क्या होता है, उसका मल्टीपल, मतलब इसका पहाड़ा आगे पढ़ते रहो, ठीक है। ऐसा नहीं बेटा कि सात धाम सत्तर के बाद आगे नहीं होता है, ठीक है। सात को ग्यारह से गुणा करोगे तो सत्तर आएगा, तो ये आगे चलता रहेगा, ठीक है, ये आगे चलता रहेगा। ये क्या होता है, ये अनिश्चित होता है, ठीक है, अनगिनत तक, ठीक है, अनगिनत, ठीक है, अनगिनत, ठीक है, अनगिनत बार दोहराया जाता है, ठीक है, दोहराया जा सकता है, ठीक है। मतलब सात दिन चौदह, सात एक के साथ चौक अट्ठाईस, आगे जितना भी है, ठीक है, इसकी कोई सीमा नहीं होती, ठीक है, लेकिन ये सीमित होता है, ठीक है। पूर्णखंड, ठीक है, सीमित होता है। अभी मैंने दिखाया था छह का, देख लेते हैं भाई, छह किस किसके पहाड़े में आएगा, एक के पहाड़े में आएगा, दो के पहाड़े में आएगा, तीन के पहाड़े में आएगा, छह के पहाड़े में आएगा, बस, ठीक है। तो ये क्या है, कुछ ही होंगे इसके, ठीक है, ये सीमित होता है, ठीक है। दूसरी बात, पहली बात तो हो गई, दूसरा पॉइंट है एक सभी का, सभी का गुणनखंड होता है, खंड होता है। क्या बोल रहा हूं बेटा जी, एक सभी का गुणनखंड होता है। तीसरी बात, ठीक है, तीसरी बात क्या बेटा, कि देखो जो गुणनखंड होता है, या तो बराबर होगा, बराबर होगा, या संख्या से छोटा होगा। देखो हाईएस्ट क्या है, बराबर है भाई, छह हाईएस्ट है ना, इससे ऊपर तो नहीं गया, तो या तो बराबर होगा या उससे छोटा होगा, इससे बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन जो गुणज है, जो गुणज है बेटा, गुणज या तो देखो गुणज या तो बराबर होगा या संख्या से बड़ा होगा, ठीक है। ये छोटा नहीं हो, देखो संख्या है, इससे बढ़ रहा है, घटेगा नहीं बेटा, ठीक है, इससे कम गुणज नहीं हो सकता। तो ये कुछ बातें थी जो गुणज और गुणनखंड में देखी गई बेटा, ठीक है। पहली क्या बात देखी गई, कि जो गुणनखंड है वो सीमित होते हैं, ठीक है, दो चार छह आठ दस बीस चौबीस पचास साठ जो भी है, लेकिन लिमिटेड होंगे, ठीक है, सीमा होगी उनकी, कोई उनको गिना जा सकता है, ठीक है। लेकिन जो गुणज है उनकी कोई सीमा नहीं होती है, वो आगे बढ़ते ही रहेंगे, ठीक है, वो आगे बढ़ते रहेंगे, पहली बात। दूसरी बात है, ठीक है, कि एक सभी का गुणनखंड होता है, एक सभी का गुणनखंड आता है, क्योंकि ठीक है एक से सब भाग हो सकते हैं, ठीक है। तीसरी बात है कि गुणनखंड या तो बराबर होगा या छोटा होगा, गुणनखंड,
या तो बराबर होगा या छोटा होगा, और गुणज या तो बराबर होगा या बड़ा होगा। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं।